Now the next chapter is stationery item. Stationery items क्या होते हैं? पढ़ाई करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम stationery items कहते हैं. तो चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है चॉक. चॉक का यूज़ हमारी टीचर करती है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए. द नेक्स्ट वन शार्पनर. शार्पनर की हेल्प से हम अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं. नेक्स्ट वन बुक. किताबें. पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वन स्केल, जिसे हम फीटा भी कहते हैं. मैथ्स में, इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट में अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? स्केल की हेल्प से करेंगे. चार्ट. चार्ट क्या है? एक बड़ा सा पेपर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी होती हैं. अब आप इस फोटो में देखिए, ये कौन सा चार्ट है? ये अल्फ़ाबेट का चार्ट है. इसमें ए से लेकर जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. मार्केट में अलग अलग तरह के चार्ट आते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. द नेक्स्ट वन इज़ बैग. अपनी चीज़ों को रखने के लिए लाइक पेंसिल बॉक्स, बुक्स, इन सब के लिए हमें बैग की ज़रूरत होती है. और बैग लेके हम कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स में हम अपना ज्योमेट्री का सामान रखते हैं लाइक पेंसिल, स्केल, डिवाइडर एंड कंपास. नेक्स्ट इंक पॉट. इंक हम कहते हैं किसे? स्याही को. आप अपने मम्मी पापा से पूछना, जब वो पढ़ाई करते थे तो तब इंक पेन आते थे. आजकल भी आते हैं लेकिन उसका यूज़ बहुत कम होता है. नाउ कैलकुलेटर. बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कैलकुलेटर कहते हैं. बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर बहुत जल्दी कर देता है. नेक्स्ट पेंसिल बॉल पेन. अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आप पेंसिल का यूज़ करेंगे. अगर आप बड़ी क्लास में हैं तो आप बॉल पेन या फिर जेल पेन का यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ इरेजर. पढ़ाई करते करते अगर कुछ गलत हो गया तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम? इरेजर का. द नेक्स्ट वन नोट बुक. काम करने के लिए हमें कॉपी की ज़रूरत होती है जिसे हम नोट बुक कहते हैं. नेक्स्ट क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं जो पिक्चर को ड्रॉ और कलरिंग करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट वन इज फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन, अभी मैंने आपको इंक पॉट के बारे में बताया था, तो फाउंटेन पेन को यूज़ करने के लिए हमें इंक की हेल्प चाहिए होती है. आप ये देखिए जो इसका आगे का पार्ट है इसे हम निब कहते हैं. नाउ द टाइम फॉर आंसर. व्हाट डू यू यूज टू शार्पन योर पेंसिल? अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वी नीड शार्पनर. एस एच ए आर पी शार्प एन ई आर नर शार्पनर. द नेक्स्ट वन वेयर डू यू कीप योर ज्योमेट्री बॉक्स? आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ रखते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स को हम बैग में रखते हैं, बी ए जी बैग. व्हाट डू यू यूज़ टू कलर अ पिक्चर? एक पिक्चर को कलर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ क्रेयॉन्स, सी आर ए वाई ओ एन एस क्रेयॉन्स. नाउ टाइम फॉर मेमोरीज. ऑलवेज कीप द स्टेशनरी आइटम प्रॉपरली इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. अपने सारे स्टेशनरी आइटम को बहुत तरीके से ध्यान से आपको रखना चाहिए. कहाँ पर? ज्योमेट्री बॉक्स में.